मतलब थोड़ा सा वो रहा बस इसका हल्का सा, मतलब जैसे वहाँ पे घूम ऐसे ओके ये डर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफी साल के बाद आए हैं और हमारे स्कूल का टीचर्स का ट्रिप है जो हमारा फर्स्ट टाइम बना है, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। झरना गिर रहा है पहाड़ियों पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका तो नेचर की ब्यूटी अलग है, इसको देखना करीब से इसका एहसास करना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अच्छा लगा, जो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कार्बेट फॉल में, और झरना जो है ऊपर से पहाड़ों से गिर रहा है तो उसका पानी जो है बहुत साफ स्वच्छ नीट एंड क्लीन है और बहुत ठंडा है, और एयर जो थी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत आनंद आ रहा था। और जो है यहाँ फिर दोबारा आने का भी मूड कर रहा है कि फिर कभी एक ट्रिप पे आएँ, और अन्य जो साथ वाले हैं उनके लिए भी बताएंगे, उनको भी लेके आएंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई है यहाँ पर, इसी वजह से मैंने कॉर्बेट फॉल आने का फैसला लिया और यहाँ पर आके मैंने स्विमिंग वगैरह की। और यहाँ पर मैंने आके देखा कि यहाँ पर एक्टिविटी पार्क भी लगा हुआ है, जहाँ पर चार एक्टिविटी हैं और चारों एक्टिविटी का मैंने यहाँ पर आनंद लिया, बहुत मजा आया। सो इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम एंड इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल। यू कैन एक्सपीरियंस द नेचुरल वाटरफॉल एंड द नेचर अराउंड हियर एंड द वाटर इज क्वाइट कूल हियर, सो इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। मेरा नाम मनवर, ये वन आरक्षी मनवर बिष्ट। यहाँ पे जो पर्यटकों सबसे लुभावना है ये फॉल है, और जहाँ पे ये बाथिंग पॉइंट बना है नहाने के लिए वो सबसे बेटर लग रहा है पर्यटकों को। और एक्टिविटी के लिए भी जहाँ पे जो बड़े खुश होके जा रहे, जीप लाइन हुआ, साइकिलिंग हो, इस पे पर्यटक बड़े खुश होके जा रहे हैं। कॉर्बेट फॉल्स पहले से ही एक आकर्षण रहा है क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छे प्लेस में ये लोकेटेड है, क्योंकि नयागांव के पास ये एक तो जाता है, हमारे नैनीताल को जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी इन्हीं को पास करके जाते हैं, और जो कॉर्बेट को आते हैं रामनगर की तरफ वो भी नयागांव से पास होके आते हैं, जो भी दिल्ली से बाजपुर की तरफ से आते हैं, तो हमेशा एक टूरिस्ट पॉइंट रहा है। लेकिन इस साल हमने प्रयास ये किया था कि इसमें और थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा दें ताकि टूरिस्ट जो रिपीटेड टूरिस्ट भी आने लग जाए। तो इस साल हम बहुत वो ये देखें कि जो टूरिस्ट आए हैं उनका संख्या लगभग डबल हो चुके थे। मई और जून के महीने में जो एवरेज जो हमारा रहता था 10 से 15 लाख का जो रेवेन्यू, इस बार बस मई और जून दो ही महीने में हमने 36 लाख का रेवेन्यू प्राप्त किए हैं।